पटना के राजा आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल में बड़ी संख्या में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग कोरोना का टीका लगवाने आ रहे हैं। इस संबंध में आयुर्वेदिक कॉलेज के उपाधीक्षक धनंजय शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के आदेशानुसार 18 साल से अधिक के उम्र वाले लोगों को 1 मई से टीका लगाया जाएगा। नहीं, हमें तो कोई ऐसा कोई फर्क नहीं होता तो, और लोगों को चाहिए इसमें कि अपना आगे आए और वैक्सीनेशन लें, इसलिए कि ये बहुत जरूरी है इस महामारी में, और इससे हम लोग का शरीर बूस्टअप हो रहा है, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और इस महामारी से हम लोग दूर होंगे। हम तो दोनों वैक्सीनेशन लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा कॉन्फिडेंट भी अब महसूस कर रहे होंगे। बहुत 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 बढ़िया हुआ सरकार का ये कार्यक्रम, और एकमात्र यही उपाय है वैक्सीनेशन, ये दोनों जरूर लेना चाहिए लोगों को, यही मैं सबों से विनती भी करूँगा। वहीं दूसरी तरफ एक युवती सोनम हंस ने सरकार के इस आदेश की सराहना की है, साथ ही उसने कहा कि कोविड का टीका सभी को लेना चाहिए। तो बिल्कुल युवा को जागरूक होकर सभी को वैक्सीनेट होना चाहिए ताकि सभी लोग कोरोना से बच सके, अपना सुरक्षा करेंगे तभी वो दूसरे की भी सुरक्षा कर पाएंगे। पटना से अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN Live India।